अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद को आईसीसी ने प्रतिबंधित पदार्थ क्लेनबुटेरोल के सेवन का दोषी पाया गया है। अब आईसीसी द्वारा उन्हें निलंबित किया जाना तय दिख रहा है। शहजाद ने टूर्नामेंट्स के इतर दुबई की आईसीसी एकेडमी में जो नमूना दिया था उसका सॉल्ट लेक सिटी में परीक्षण किए जाने पर उसमें प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया है। आईसीसी ने कहा कि आईसीसी की डोपिंग रोधी संहिता के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रिया के लंबित रहने तक शहजाद को अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया है। ये निलंबन 26 अप्रैल 2017 से लागू होगा यदि उन्होंने अस्थायी निलंबन को चुनौती नहीं दी तो। 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले शहजाद वनडे और टी20 में 58 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।